गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएड सेकंड ईयर के स्पेशल पेपर गाइडेंस एंड काउंसलिंग के अंतर्गत हम लोग निर्देशन के अर्थ को उसकी विभिन्न क्षेत्रों को हम समझ रहे थे कि निर्देशन क्या है, उसके सिद्धांत क्या है, उसके क्षेत्र प्रकार आदि क्या क्या है। आज हमें देखना है निर्देशन विद्यालयों में निर्देशन, क्योंकि निर्देशन जो है ये मानकर चलिए कि हर क्षेत्र में कहते हैं कि जीवन के संपूर्ण जीवन प्रत्येक जीवन के प्रत्येक स्तर पर हर जगह हर कार्य में किसी भी कार्य को पूर्ण करने में विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना बालक को व्यक्ति को करना होता है, और इनके निवारण के लिए इनके निदान के लिए निर्देशन की आवश्यकता होती है, चाहे स्व निर्देशन हो चाहे किसी अन्य से प्राप्त किया गया हो। विद्यालय में निर्देशन, यहाँ पर चूंकि शिक्षा है, शिक्षा में हर पल बालक को कुछ नया सीखने के लिए निर्देशन की आवश्यकता होती है, चाहे आपका नियमित पाठ्यक्रम है, कक्षा कक्ष के अंदर है, कक्षा कक्ष के बाहर है, पाठ्य सहगामी गतिविधियां हैं, कक्षा इनके अंतर्गत बालक को समय समय पर निर्देशन की आवश्यकता या नियमित ये कहा जाए कि एक शिक्षक जब कक्षा कक्ष में खड़ा होकर शिक्षण कार्य कर रहा है तो वो भी एक प्रकार से निर्देशन का प्रकार माना जा सकता है। तो निश्चित है कि विद्यालय में निर्देशन सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो विद्यालयों में निर्देशन की जो प्रक्रिया है, निर्देशन के क्षेत्र में निर्देशन का जो कार्यक्रम है उसके बारे में आज हम समझेंगे, पढ़ेंगे कि विद्यालयों में निर्देशन के किस प्रकार से हम निर्देशन का उपयोग करते हैं। तो सबसे पहली बात आती है यहाँ पर उच्च माध्यमिक स्तर पर निर्देशन कार्यक्रमों की रूपरेखा। उच्च माध्यमिक स्तर पर निर्देशन की रूपरेखा, उच्च माध्यमिक स्तर पर निर्देशन की रूपरेखा की बात यहाँ पर हमें करनी है, यानी कि उच्च माध्यमिक स्तर पर निर्देशन किस तरह से या उसकी रूपरेखा किस तरह की होनी चाहिए, क्योंकि इसी स्तर पर उच्च माध्यमिक स्तर पर अगर हम बात करते हैं तो इस स्तर पर किशोरावस्था के विद्यार्थी किशोरावस्था का विद्यार्थी पहुंचता है और इसे चाहे शैक्षिक है चाहे सहशैक्षिक है चाहे पाठ्य सहगामी है चाहे व्यक्तिगत है, सामाजिक है, आर्थिक है, सामाजिक है, आर्थिक है, यानी कि कहा जाए कि इस स्तर पर किशोरावस्था के बालक को हर तरह के निर्देशन की आवश्यकता बढ़ जाती है, क्योंकि ये एक कहना चाहिए कि इस समय बालक की शारीरिक विकास इतनी तीव्र गति से इतना भिन्न होता है कि इस समय किशोरावस्था के लक्षण बालकों में दिखाई देने लगते हैं या उनका आना प्रारंभ हो चुका हो, मतलब किशोरावस्था के लक्षण दिखाई देने लगते हैं, जिसकी वजह से उसमें एक आवश्यक एनर्जी जो है वो आवश्यकता से अधिक एनर्जी होती है, या बालक अपने इन परिवर्तनों जो शारीरिक परिवर्तन हो रहे हैं उनके साथ समायोजन नहीं कर पा। कहने का मतलब इस अवस्था में बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती है जिसकी वजह से चाहे मानसिक रूप से तो बालक अपने आप को समझदार भी समझता है कि समाज में एक प्रतिष्ठा प्राप्त करने की इच्छा भी रखता है और समाज के व्यक्तियों की दृष्टि से वो अभी छोटा बालक होता है। तो कहने का मतलब किसी भी क्षेत्र में चले जाइए उसके लिए परिस्थिति थोड़ी सी विकट कही जा सकती है और उसके साथ समायोजन नहीं होने की वजह से किशोरावस्था को तूफान की अवस्था कहा जाता है। किशोरावस्था को तूफान की अवस्था कहा जाता है क्योंकि इस समय बालक एक तरह से इस अवस्था के सबसे ज्यादा जो तूफान करते हैं वो इस अवस्था के बालक ही करते हैं। तो उच्च माध्यमिक स्तर में जो है किशोरावस्था के बालक ही अधिकांश रूप से निश्चित है कि उच्च माध्यमिक
कार्यक्रम की आवश्यकता बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो इसमें सबसे पहली बात आती है या इसमें है कि प्रबंधकों को या प्रशासकों को निर्देशन की आवश्यकता का आभास कराना। इस स्तर पर सबसे बड़ी चीज जो है कि प्रशासकों जो विद्यालय प्रबंधन है या विद्यालय का प्रशासन जो है उसे एक इस अवस्था के बालकों के निर्देशन की क्या आवश्यकताएं हैं और निर्देशन कार्यक्रमों की क्या उपयोगिता और क्या आवश्यकता है इसके बारे में स्पष्ट जानकारी कराए जानकारी अवगत कराया जाना बहुत अनिवार्य है। जिसकी अगर उन्हें इसका अनुभव है आभास है या उसकी जानकारी है या आवश्यकता को वो समझते हैं तो निश्चित है कि वे निर्देशन कार्यों को आयोजित कराने में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे क्योंकि प्रशासकों के सहयोग के बिना किसी भी कार्यक्रम की सफलता संभव नहीं है या किसी भी कार्यक्रम को आयोजित नहीं कराया जा सकता। इसीलिए प्रशासकों के सहयोग के लिए आवश्यक है कि उनको निर्देशन की आवश्यकता का पता होना चाहिए। दूसरी बात आती है प्रशिक्षण कार्यक्रम। प्रशिक्षण कार्यक्रम अब ये प्रशिक्षण किस किस के लिए होगा? इसमें छात्र भी आएंगे, शिक्षकों का भी प्रशिक्षण होगा और अभिभावकों का भी। छात्र शिक्षक अभिभावक सभी के लिए निर्देशन की आवश्यकता या निर्देशन के प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में या इनके सभी के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए क्योंकि यहाँ पर एक छात्र को भी इसका प्रशिक्षण होना चाहिए क्योंकि बालक को अपनी स्वयं की समस्याओं का पता होना चाहिए, वो अपनी समस्याओं को समझ सके, उसे इस बात को आपका पता चल सके कि उसे किससे निर्देशन और किससे सही निर्देशन प्राप्त होगा, कैसे प्राप्त होगा, स्वयं का निर्देशन कैसे कर सकता है। ये सभी बातें शिक्षक को भी पता होना चाहिए कि किस समस्या का क्या किस प्रकार से निर्देशन किया जा सकता है। अभिभावकों को भी पता होना चाहिए कि किस प्रकार से सहयोग किया जा सकता है, निर्देशन कैसे किया जा सकता है, उसकी आवश्यकता क्या है। यानी कि एक प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से इन सभी को प्रशिक्षित किया जाए कि निर्देशन का कार्य कैसे किया जाना है या निर्देशन क्या है और इसकी आवश्यकता क्या है, इसको किस प्रकार से पूर्ण किया जाए, निर्देशन के का क्या महत्व है और इसके माध्यम से एक बालक के विकास में किस प्रकार से सहयोग मिल सकता है, इस दृष्टि से प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन होना और निर्देशन कार्य कैसे किया जाता है इसके लिए भी प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजित होना अनिवार्य है। अगली बात आती है छात्रों की आवश्यकताओं का अध्ययन। छात्रों की आवश्यकताओं का अध्ययन यानी कि एक अध्यापक को या प्रबंधन को या जो निर्देशन करता है उसे छात्र की आवश्यकताएं क्या हैं उसका अध्ययन करना आवश्यक होता है। यानी कि जो रूपरेखा निर्मित की जाती है उसमें वो बालकों की समस्याओं या आवश्यकताओं का भी पता लगाकर उसका तैयार करता है कि बालकों की क्या आवश्यकताएं हैं जिसके लिए उन्हें निर्देशन दिया जाना है। अगली बात है संसाधनों का सर्वे। संसाधनों का सर्वे यानी कि संसाधन कौन से उपलब्ध हैं, कितने संसाधन उपलब्ध हैं, कौन कौन से संसाधन उपलब्ध हैं, निर्देशन के लिए कौन कौन से संसाधन
क्या क्या उपलब्ध हैं और जो उपलब्ध संसाधन हैं वो किस तरह से सहायक हो सकते हैं, इसका सर्वेक्षण किया जाना, यानी कि उसके बारे में संपूर्ण जानकारी जुटाना और फिर उनका प्रभावी ढंग से उपयोग करना, जो मतलब एक रूपरेखा तैयार की जाती है उसमें उपलब्ध संसाधनों की सूची तैयार की जाती है कि कौन कौन से संसाधन उपलब्ध हैं और उनका किस तरह से बेहतर अधिक से अधिक उपयोग किया जा सकता है। अगली बात जो यहाँ पर आती है, निर्देशन समिति का निर्माण। निर्देशन समिति का निर्माण, क्योंकि बिना कमेटी बनाए निर्देशन कमेटी, इस कमेटी के बिना निर्देशन या गाइडेंस का काम नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अगर निर्देशन कमेटी है तो वो जितने भी सोर्सेस आपके पास उपलब्ध है, जितने भी संसाधन उपलब्ध है, उनके बारे में उचित जानकारी परफेक्ट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है, फिर वो पालकों की प्रॉब्लम्स, स्टूडेंट्स की जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में सारी सूचनाओं को इकट्ठा कर पाती है, या उन सूचनाओं की एक जो शेड्यूल है या सूचनाओं की जो सूची है उसको निर्मित करने में सक्षम होती है, ट्रेनिंग का प्रोग्राम को बना, क्योंकि ट्रेनिंग प्रोग्राम का टाइम टाइम पे उसको ऑर्गेनाइज किया जाना बहुत जरूरी है, प्रशिक्षण कार्यक्रम का ऑर्गेनाइज किया जाना बहुत जरूरी है। तो ऐसे में ये कमेटी है, जो निर्देशन कमेटी है, वो इस कार्य को समय के अनुसार, उपलब्ध संसाधनों के अनुसार समय समय पर आयोजित कर सकती है, यानी कि निर्देशन कार्यक्रम की रूपरेखा का या इसका एक कॉमेंट तैयार करने के लिए बहुत जरूरी है कि एक कमेटी का निर्माण भी किया जाना जरूरी है या किया जाना आवश्यक है। अगली बात यहाँ पर आती है, निर्देशन कर्ताओं के लिए पर्याप्त समय। पर्याप्त समय यानी कि इनफ टाइम होना चाहिए, क्योंकि निर्देशन कार्य जब किया जाता है, जब गाइडेंस प्रोग्राम चल रहा होता है, तो वो एक कुछ समय या लिमिटेड टाइम, संक्षिप्त समय के अंदर उस काम को पूरा नहीं किया जा सकता, उसके लिए बहुत जरूरी है कि जिसको हम गाइडेंस दे रहे हैं और गाइडेंस देना और लेने दोनों के लिए समय चाहिए होता है, तो वो एक परफेक्ट टाइम या इनफ टाइम का होना बहुत जरूरी है। उसके बाद में है भौतिक संसाधन, अंतिम बात जो इसके अंतर्गत आती है, भौतिक भौतिक संसाधन यानी कि जो क्या बोलते हैं, जो सोर्सेस आपके पास हैं, जो बिल्डिंग है का जो उसका रूम है, इसके जो डिफरेंट सोर्सेस हैं वो आपके पास कितने उपलब्ध हैं या नहीं है, जैसे कि निर्देशन कक्ष यानी कि गाइडेंस रूम का अलग से होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर बालक हर समय हर जगह हर तरह की बात नहीं कर सकता, उसको जब गाइडेंस की आवश्यकता है, कोई व्यक्तिगत पर्सनल गाइडेंस की जरूरत है, तो वो एक पर्सनल प्लेस पे यानी कि एक अलग, सबसे हटकर एक अलग स्थान पर जो सेपरेट है, जहां पर कि किसी का इंटरफेरेंस नहीं है, कोई दूसरा सुनने वाला नहीं है, ऐसी जगह पर बालक बात करना पसंद करता है, तो वो गाइडेंस रूम का होना भी बहुत जरूरी है, यानी कि एक लाभ उसके लिए होनी चाहिए। उसके बाद में जो जितनी भी इंफॉर्मेशन है उनको कलेक्ट करने के लिए बकायदा, चाहे वो टेप रिकॉर्डर है, चाहे वीडियोग्राफी के माध्यम से है, चाहे और कोई भी रजिस्टर्स मैनुअली जो हम करते हैं, तो रजिस्टर है यानी कि इलेक्ट्रॉनिक जो सोर्सेज हैं, या फिर जो हार्ड पेपर पेन पैन वगैरह हैं, इनके माध्यम से जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी सूचना है, उनको संकलित करने के लिए इनफ सोर्सेज होने चाहिए, पर्याप्त संसाधनों का होना आवश्यक है। उसके बाद में है आदान प्रदान, इंफॉर्मेशन की जो आदान प्रदान होना है, इंफॉर्मेशन को एक दूसरे से शेयर करना होता है, तो उसके लिए भी एक प्रॉपर सोर्सेस उनके पास होने चाहिए। अब जरूरी नहीं है कि जैसे बालक एक यहाँ बैठ कर जैसे कहीं बाहर चला गया, उसको गाइडेंस की जरूरत है, तो टेलीफोन इज अ परफेक्ट या कहना चाहिए कि बहुत इजी सोर्स है, जो कि बालक उसके थ्रू, उसके माध्यम से अपने टीचर से अपने जो गाइडेंस दे रहा है उससे वो आसानी से बात कर सकता है, यानी कि इंटरैक्ट करने के लिए भी उनको एक परफेक्ट पर्याप्त सोर्स की
आवश्यकता होती है। यानी कि रूप रेखा का निर्माण करते समय इनका ध्यान में रखते हुए माध्यमिक स्तर के निर्देशन कार्यक्रम की पूरी रूप रेखा तैयार की जाती है। यानी कि सेकेंडरी लेवल पर गाइडेंस की जो है एक प्रॉपर जो उसका रूप रेखा है या उसका जो फॉर्मेट है उसको तैयार किया जाना चाहिए। अगली बात यहाँ पर आती है भारतीय विद्यालयों के लिए निर्देशन आवश्यकता है। भारतीय के लिए निर्देशन सेवाएं भारतीय विद्यालयों के लिए ये निर्देशन सेवाएं किस तरह से कार्य करती है, क्योंकि भारतीय परिस्थितियों हर एक की अपनी परिस्थितियां होती है और उसके अनुकूल वहां के वातावरण परिस्थितियों के अनुकूल हर एक की आवश्यकताएं अलग अलग होती है, तो उन्हीं उसी के आधार पर निर्देशन का कार्य होना निर्धारित किया जाता है या उसको चलाया जाना चाहिए। तो यहाँ सबसे पहला है व्यक्तिगत सूचनाओं का स्वरूप, पर्सनल इंफॉर्मेशन। व्यक्तिगत सूचनाओं का संकलित होना या पर्सनल इंफॉर्मेशन को किस तरह से कलेक्ट किया जाए इस चीज को ध्यान में रखा जाता है, क्योंकि हर जगह का तरीका अलग अलग होता है। तो भारतीय परिवेश के अंदर भारत की विचारधारा के अकॉर्डिंग जो इसकी निर्देशन सेवाओं की आवश्यकता है उसमें सबसे पहला है व्यक्तिगत पर्सनल इंफॉर्मेशन को कैसे कलेक्ट की जाए। तो इसमें सबसे पहली चीज आ जाती है संचित अभिलेख पद्धति। संचित अभिलेख यानी कि ये वो सोर्स है जिसके अंतर्गत जिसे स्कॉलर रजिस्टर के अंदर हम बालक के स्टूडेंट की कंप्लीट इंफॉर्मेशन रखते हैं, वैसे ही ये संचित अभिलेख है जो कि बालक से संबंधित स्टूडेंट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन को इसके अंतर्गत कलेक्ट किया जाता है। क्योंकि जब बालक की सारी इंफॉर्मेशन इसमें कलेक्ट है तो कोई भी अनजान व्यक्ति जो पहली बार जो उसको वो कार्य सौंपा गया है वो भी इसके बारे में सारी जानकारी को हासिल करके और बालक को या स्टूडेंट को गाइडेंस प्रदान कर सकता है या उस कार्य प्रोग्राम को इजीली वो कंप्लीट कर सकता है। दूसरी बात है संचित अभिलेख संरक्षण जिस रिकॉर्ड के अंदर बालक से संबंधित स्टूडेंट से संबंधित सारा रिकॉर्ड कलेक्ट किया गया है उसको सुरक्षित रखना है, उसका संरक्षण उसको सेफ रखना बहुत जरूरी है। उसको बहुत सेफ कैसे किया जाए तो उसके लिए एक प्रॉपर तरीका होता है, वह एक अलमारी है जिसके अंदर अल्फाबेटिकल हर बालक की सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की हुई है या उसको एक सेफ ताले के अंदर रखा जाए जिससे कि कोई भी अनजान व्यक्ति आकर उसे खोल कर या उनमें से कोई भी सूचना या इंफॉर्मेशन या किसी भी बालक से संबंधित इंफॉर्मेशन को इधर से उधर लीक आउट ना करे, क्योंकि ये वो साधन होते हैं जिसमें बालक की हर पर्सन मतलब कि बालक से संबंधित वो समस्त सूचना या सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है जो कि बालक के विकास में बाधा उत्पन्न कर रही है या बालक का विकास में सहयोग प्रदान कर रही है, बालक के कुछ अनुशासनहीन कार्य है या व्यवहार है, उन सभी का उसके अंदर संकलन होता है। तो ऐसे कोई भी सूचना किसी भी अन्य के पास नहीं पहुंचनी चाहिए, इस दृष्टि से इनका एक सही ढंग से संरक्षण या उनको बहुत सही ढंग से सेव करके रखा जाना चाहिए। अगली बात आती है अध्यापकों का सहयोग।
बच्चे से के कांटेक्ट में हैं, उन सब का सहयोग या उन सब में आपस में तालमेल होना जरूरी है। अगर एक दूसरे की हेल्प के बिना अगर हम बालक से संबंधित इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं तो वो सही इंफॉर्मेशन कलेक्ट होगी या नहीं होगी कोई गारंटी नहीं। इसीलिए बहुत जरूरी है कि जितने टीचर्स अध्यापक जो बालक के कांटेक्ट में है या बालक जिनके कांटेक्ट में है, यानी कि जो बालक को नियमित रूप से पढ़ा रहे हैं, बालक को प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं या जो कुछ भी बालक से किसी भी किसी तरह से कॉन्टेक्ट में है या नियमित रूप से रूटीन उसके संपर्क में है, उनका सहयोग या उनकी हेल्प ये सारी बहुत जरूरी है। उनकी हेल्प के बिना ये चीज संभव नहीं है, सही इंफॉर्मेशन का कलेक्ट होना संभव नहीं है। अगली बात जो इसके अंतर्गत आती है वो अमानकीकृत साधनों के उपयोग पर बल। यूनिवर्सिटी या किसी उस क्या बोलते हैं कि जो भी उस कार्य से संबंधित संस्था है उसके द्वारा मान्यता प्राप्त डिपार्टमेंट के द्वारा उसको जो मान्यता प्राप्त हुई है या जिसको कि विभिन्न परीक्षणों के द्वारा जिसकी वैधता विश्वसनीयता को ज्ञात किया गया है, ऐसे मानकीकृत परीक्षण वो भिन्न होते हैं। और ये अमानकीकृत परीक्षण है जिनको कि एक अध्यापक के द्वारा स्वयं के द्वारा निर्मित किया जाता है या किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा इनका निर्माण किया जाता है। तो ऐसे साधनों के उपयोग पर बल दिया जाना चाहिए क्योंकि ये वे साधन है जो आवश्यकता के अनुसार तत्काल उपयोग में लाए जा सकते हैं। इसीलिए अमानकीकृत साधनों पर भी इनकी आवश्यकता पर मतलब साधनों के उपयोग पर भी बल दिया जाए। अब इनके उपयोग की बात आती है तो ये जो है इनका उपयोग कैसे होगा, जब संचय अभिलेख और इनके उपयोग की बात आती है तो इनका उपयोग कैसे होगा, तो इनके उपयोग में शिक्षक के द्वारा शिक्षक छात्र और अभिभावक इनकी जो उपयोगिता है वो शिक्षक छात्र व अभिभावक सभी के लिए ये उपयोगी होते हैं कि सभी के द्वारा इनका उपयोग किया जाता है। अब जिसको जैसे जिस तरह के जैसे छात्र के लिए भी है तो छात्र को भी अपने अगले प्रवेश किसी अन्य विद्यालय में प्रवेश की भी आवश्यकता है उसमें इस छात्र अपने इन संचित अभिलेखों का उपयोग कर सकता है। हालांकि भारतीय परिवेश में हम कहते अवश्य है लेकिन भारतीय परिवेश में सभी विद्यालय इन संचित अभिलेखों का उपयोग नहीं करते हैं लेकिन ये बालक के विकास के लिए आवश्यक रूप से होने चाहिए। इसके बाद आता है पर्यावरणीय सूचनाओं का स्वरूप। इसी का जो सेकंड पॉइंट है वो है पर्यावरणीय पर्यावरणीय सूचनाओं का स्वरूप। पर्यावरणीय सूचनाओं का स्वरूप यानी कि आपके पर्यावरण बालक के अपने पर्यावरण से संबंधित यानी कि उसके आसपास के पर्यावरण है, प्राकृतिक पर्यावरण है, विद्यालय पर्यावरण है, सामाजिक पर्यावरण है, इन सबसे संबंधित जो रूपरेखा है या यूं कहा जाए कि निर्देशन सेवाएं हैं उनका स्वरूप उसी अनुसार निर्मित होना चाहिए। लेकिन एनवायरमेंटली बालक से को किस प्रकार से गाइडेंस की आवश्यकता होती है उसी के अकॉर्डिंग उसकी गाइडेंस की जो प्रोसेसिंग है या गाइडेंस के लिए जो बालक को हेल्प की जा रही है उसके अकॉर्डिंग उसका पूरी जो तैयारी है उसी के अनुकूल होनी चाहिए। इसके अंतर्गत सबसे पहली बात आती है पुस्तकालयों का सहयोग। पुस्तकालयों का सहयोग
यानी कि पुस्तकालयों का सहयोग कैसे, ये पुस्तकालय यानी कि विद्यालय, लाइब्रेरी में लाइब्रेरी के माध्यम से बालक को एक एनवायरमेंटली गाइडेंस प्रदान की जा सकती है। बालक के वातावरण, बालक के पर्यावरण को समझना, बालक को पर्यावरण को समझाने, इन सब के लिए पुस्तकालय सबसे महत्वपूर्ण साधन है, जिससे पुस्तकालय अध्यक्ष के द्वारा इसमें सहयोग प्रदान किया जाता है या सहयोग किया जाता है, क्योंकि बालक पुस्तकालय में आ रहा है या नहीं आ रहा, आ रहा है किस तरह की पुस्तकें इशू कर रहा है, किस तरह की पुस्तकें पढ़ना पसंद करता है, इन सबसे संबंधित कितनी देर बैठना पसंद करता है, पढ़ते समय कितना कंसंट्रेशन रहता है, यानी कि एक बालक के जो एनवायरमेंटली इफेक्ट जो बालक के ऊपर है उस चीज को समझने के लिए लाइब्रेरी सबसे अच्छा माध्यम है या सबसे अच्छा सोर्स माना जा सकता है। अगली बात है सूचनाओं के संकलन में आर्थिक पक्ष, आर्थिक पक्ष फाइनेंशियली किस प्रकार से जो सूचनाएं हैं, इंफॉर्मेशन है, वो कलेक्ट करने में सहयोग मिल सकता है, यानी कि जब फाइनेंशियली जो हमारा फैक्टर आता है या आर्थिक पक्ष जब हमारे सामने आता है तो उस आधार पर सूचनाएं किस प्रकार से प्रभावित ना हो, इसके लिए किन बातों को ध्यान में रखते हुए पूरा फॉर्मेट तैयार किया जाना चाहिए। तो इसमें पहली चीज जो आती है वो आपकी आती है कि निःशुल्क और कम व्यय के स्रोतों का पता लगाना है। निःशुल्क व कम व्यय के स्रोतों का पता लगाना, निःशुल्क व कम व्यय के स्रोतों का पता लगाना, यानी कि उन सोर्सेस का पता लगाना जिनके माध्यम से हम सूचनाओं को, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सके या जिनपे हम उन इंफॉर्मेशन को कलेक्ट की जा सके, स्टूडेंट की गाइडेंस का प्रोग्राम आगे कंटिन्यू रखा जा सके, निर्देशन की किसी भी कार्य में कोई बाधा उपस्थित ना हो, इसके लिए ऐसे सोर्सेस, ऐसे साधनों को पता लगाना जो या तो निःशुल्क हो, जिनमें कि पैसा ना लगता हो, या फिर वो कम खर्च में आसानी से कार्य उपयोग में लाए जा सके। अधिक खर्च जैसे कि अब आपको चाहिए, अगर आप वीडियोग्राफी, आप बाद निर्देशन करते समय आप वीडियोग्राफी करें, अब वीडियोग्राफी के लिए बड़ा वाला कैमरा लाना करना, ये सब चीजें आसान नहीं होगी, 25,000 का एक छोटा सा कैमरा लगा तो वो भी आवश्यक नहीं है कि उस संस्था के पास या उस निर्देशककर्ता के पास में इतने सोर्सेज उपलब्ध हो, इतने आर्थिक संसाधन हो कि वो उन्हें खरीद सके। तो उसके लिए सबसे अच्छा है कि मोबाइल खरीद के पास होता है तो वो उस डिवाइस का, मोबाइल को उस तरह से उपयोग में ला सकता है जिसमें कॉल और वीडियो दोनों की रिकॉर्डिंग हो सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे संसाधनों का पता लगाना या उपयोग करना जो कि निःशुल्क हो या फिर कम खर्च में आसानी से समस्त कार्य पूर्ण हो सके। उसके बाद है राज्य गाइडलाइन का उपयोग करना, यहां पर इस बात को भी ध्यान में रखा जाए कि राज्य के द्वारा किसी भी संस्था, राज्य से संबंधित राज्य स्तरीय किसी भी संस्था की जो नियमित गाइडलाइंस निकलती है उनका पता रहे, उनका ध्यान में रखते हुए गाइडेंस प्रोग्राम आयोजित रखा जा सकता है या उसके अकॉर्डिंग बालक को गाइडेंस दी जा सकती। अगली बात आती है व्यावसायिक सूचना, व्यावसायिक सूचना, उसके बाद है पर्यावरण, पर्यावरणीय सूचना और सूचनाओं का आदान प्रदान। अब यहां पर समझने वाली व्यावसायिक सूचना है, यानी कि बालक को जब हम भी गाइडेंस देते हैं तो उसमें व्यावसायिक या कि उसके व्यवसाय से संबंधित किस प्रकार
की सूचनाएं उसको आवश्यकताएं हैं वो उसको जुटाकर उसको प्रदान करना करना पर्यावरणीय यानी कि एनवायरमेंटली किस प्रकार के वातावरण है, किस प्रकार की परिस्थितियां होती उसके अकॉर्डिंग उसको गाइडेंस देना और सूचनाओं का आदान प्रदान यानी कि जो भी आप इंफॉर्मेशन बालक को दे रहे हैं उसको बालकों को देना, बालकों से भी सूचनाओं को समझना, उनकी उनकी सोच कितना वो समझ पाए हैं इसका पता हमें तभी चल पाएगा जब हम सूचनाओं का आदान प्रदान करेंगे। तो कहने का मतलब कि निर्देशन कार्यक्रम को माध्यमिक स्तर पर या विद्यालय स्तर पर निर्देशन कार्यक्रम को जब हम चलाते हैं तो उसमें हमें एक परफेक्ट उसकी पूरी रूपरेखा तैयार की जानी चाहिए और उसके अकॉर्डिंग अनुसार किस प्रकार से हमको निर्देशन कार्य करना चाहिए उस चीज को आज हमने समझा है। इसके बाद जो है ना अगला हम उसके निर्देशन विद्यालयों में निर्देशनकर्ताओं के उत्तरदायित्व कौन क्या होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आशा करती हूँ मेरी आज की विद्यालयों में निर्देशन कार्यक्रमों का स्वरूप या कि उसकी प्लानिंग कैसे हो सकती है और उसकी सेवाएं निर्देशन कार्यक्रम को कैसे आयोजित किया जा सकता है, किस प्रकार की सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकती है इसके बारे में आपने पढ़ा। आशा करती हूँ बात को समझ में आई इसमें। विद्यालयों में माध्यमिक स्तर पर निर्देशन कार्य की रूप रेखा कैसे तैयार की जानी चाहिए। विद्यालय में माध्यमिक स्तर पर निर्देशन कार्यक्रमों की रूपरेखा कैसे तैयार की जानी चाहिए इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। इसी के साथ ही कोविड-19 की इस महामारी के दौर में अपने आप को सुरक्षित रखिए, बहुत अधिक आवश्यकता होने पर ही घर से बाहर निकलते हैं तो मास्क लगा कर निकलिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए और अपने हाथों को टाइम पर धोते रहिए या फिर सैनिटाइज करते रहिए। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।